अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने चपटी वाली बैंगल ली है। ये जो हम आज बुनाई वाली बैंगल्स बनाएंगे या ये इस पे बनेंगी या इस पे, मुझे क्योंकि चौड़ी बुनाई चाहिए थी तो मैं ये वाली बैंगल्स दे रही हूँ। और इस पे 25 थ्रेड हैं, ये सारे थ्रेड्स 25 हैं। और ये जो हम जिसको रैप करेंगे जिसके साथ, वो भी 25 थ्रेड हैं। ये हम ज़्यादा नहीं लेंगे, सारे थ्रेड जो मैंने लिए वो 25 ही हैं। और समीरा को समझ नहीं आ रही थी कि ये मैम आपकी तो बैंगल्स पे फ़ौरन चिपक जाता है, मेरे से नहीं होता। तो आप ये देखें, समीरा थोड़ा सा लगाने के बाद इसको ऊपर से ऐसे उंगली के साथ दबा दिया करें, ये सेट हो जाएगा। अब मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ। मुझे इसको, मैं खींच भी लूँ तो ये उतरेगा नहीं, ठीक है। इसका स्टार्ट ज़रा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट की समझ आ जाएगी तो एंड तक खुद ही ठीक से बन जाएगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इसके एजेस नज़र आ रहे हैं, ये एंड एंड में जब हम ख़त्म करेंगे तो मैं इसको सेट कर लूँगी। मुझे ऑरेंज वाले को उठाना है धागे को, और रेड वाले को, इन दोनों को ऊपर उठाना है। फर्स्ट वाले को सेंटर में छोड़ देना है, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाला जो उसको भी छोड़ देना है। दो को उठाना है, दो को रखना है। अब मैं ग्रीन वाले को उठाऊंगी और इसको गिरा दूंगी नीचे। इसको उठा रहे हैं, हमें धागे उलझने नहीं देने हैं। अब मैंने ग्रीन और येलो को उठाना है और बाकी दोनों नीचे कर देने हैं। क्या रखना है कि यहाँ से ये साथ साथ रहें थ्रेड, ये इनमें गैप नहीं आना चाहिए, सारी वेस्ट नजर आएगी अदरवाइज। या मैंने ब्लैक वाला जो थ्रेड यूज़ करी है, इसका 25 इसलिए कहा था, जबकि ये हम रैपिंग में 40 से 50 थ्रेड यूज़ करते हैं, लेकिन इसका 25 इसलिए कहा था ताकि ये हमारी जो बुनाई है ये नज़र आती रहे, छुपे नहीं। अगर हम वो 50 ले लेंगे तो ये उसके नीचे ही आ जाएगी, थ्रेड के नीचे जो हम ऊपर से रैप कर रहे हैं तो उसके अंदर छुप जाएगी, इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इनको साथ साथ सेट भी करते रहना है।
इसको साथ साथ सेट करना है। अगर देखिए मैं नहीं करूँगी तो ये देखो एक यहाँ से तो इक्वल आ रहा है, यहाँ से फैल ही जाएगा, तो इसको हमने साथ साथ ऐसे सेट करते रहना ताकि ये फैले नहीं। मेरा ये ब्लैक वाला जो रैपिंग वाला थ्रेड है ये ख़त्म हो रहा है, तो मैं यहीं पे इसको ख़त्म करके अगला थोड़ा सा ऑफ कैमरा काम करके तो आपको दिखाती हूँ। इसे हम बस इसको ऐसे ही लपेटते रहना, इसका थोड़ा सा कर लूँगी, बाकी एंड मैं इसका आपके सामने ही करती हूँ आके। बस आपने अपने थ्रेड्स को साथ साथ समेटते रहना, अगर ये उलझ गए तो फिर काम खराब हो जाएगा हमारा। और ये मेरा एक थ्रेड इधर आ गया। मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। थोड़ा काम करके इस पर और फिर बाकी एंड ऐसे ही मैं इसको पूरी को रैप करूँगी, लेकिन मैं एंड इसका थोड़ा सा बना के और एंड इसका आपके सामने करती हूँ, ठीक है? जज़ाकअल्लाह खैर। देख ऐसे बनेगी। और अच्छा एक और बात, इसको साथ साथ अपने थ्रेड को आपने समेटते रहना है, बार बार यही कह रही हूँ।
इसको थ्रेड को साथ साथ सेट करते जाना है प्लीज़, ये फैल गया तो हम बाद में इसको सेट नहीं कर सकते हैं। सितम देखें कि एंड टाइम पे जहाँ मुझे इसकी दो लेयर्स चाहिए थी, मेरा थ्रेड ख़त्म हो गया। अब मैं एक लेयर बना के इसके ऊपर से इसको छुपा दूँगी। मुझे जैसे अब क्या करना है, एक लेयर लेनी है थ्रेड की, मेरे पास इस वक्त बना हुआ नहीं है, मैं बनाती हूँ। और इस पे जस्ट मुझे यहाँ से इसको जोड़ना है और यहाँ से एक लेयर, बस इसको थोड़ा छुपाना है, बाकी ये बैंगल रेडी है बुनाई वाली। एक और बात, अगर यहाँ से वैसे मैं छुपा दूँगी तो बुरा नहीं लगेगा, अगर फिर भी आपको लगे तो यहाँ पे आपने फ्लावर एक बना लेना स्टोन्स का, वो आपकी मर्जी है, बट ये रेडी हो गई है। ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह सहारों के साथ मिलते हैं, सारे बनाने थे एक दो किस्म के, इंशाल्लाह तो चलो उसमें मिलते हैं। जजाकल्लाह।